झांसी के मऊरानीपुर में भारी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम और कोतवाली मऊरानी को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला ककवारा निवासी रामेश्वर की मौत का है, जहां गांव के ही दो व्यक्ति उसके घर आए और उसके पिता को तहसील में जमीन वापस करने का झांसा देकर ले। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा रामेश्वर को मारकर डुडेरी पुल के पास फेंक दिया गया। इसके साथ ही परिजन दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कराना चाहते हैं, जबकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि यह मामला दुर्घटना का है। पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। क्या घटना हुई थी उनके साथ में? उनके साथ में जो घटना हुई है कि ना लड़का खा चोट, ना बाप खो चोट, और ना गाड़ी टूटी, और ना कछु भाई मेरे जेठ का वह कैसे नहीं मेरे जेठ का खत्म कर के मसक के डाल दिया है, और रुपया भी ले ला छीन लाए है। किन लोगों ने पैसा लिया है? किना ने, उन्हें से लाए, मुन्ना ने लाए। किस बात के पैसे लिए? जांगा के लाए। अब आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो नया चाहता है, हम नया नहीं चाहते। हमें तो जो चाहना है कि देखो मेरा जेठ भी खत्म हो गया है, रुपया भी चले गए हैं, और मोरी जेठानी खाली की खाली रह गई है। अब आप लोग यहाँ पे आई हैं तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? जो चाहना है कि तो हमें मतलब नया चाहिए, और नहीं तो सोफे उसकी सजा चाहिए। मेरा नाम गुलाब है। किस गांव से आए हो? ककवारा से। आज आप लोग इतने सारे इकट्ठे होके यहाँ पे मऊरानीपुर थाने में आए हो, क्या मैटर है आपका? मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई 18 तारीख। क्या घटना हुई उनके साथ में? उनके साथ में घटना ये हुई कि सुबह दो लोग मोटरसाइकिल से लेके गए हैं, मुन्ना सनाव अछरू धोबी और उमेश सनाव अछरू धोबी, सुबह के करीब लेके आए, बोले कि हम तुम्हारी रजिस्ट्री वापस कह देंगे, पहले जमीन लिखा रखी थी इन्होंने, इसके बाद भाई ये घटना हो गई है। दिन में और रुपया 5 लाख ले चुके हैं पहले। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें इसका न्याय मिले। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारी तो रोजाना आश्वासन दे रहे हैं 18 तारीख से, क्या तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप क्या चाहेंगे इसके बाद? इसके बारे में हम ये चाहते हैं हमारी FIR हो, हमें न्याय मिले, हमें केस दर्ज किया जाए। झांसी के मऊरानीपुर से KKD न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। बिहार के जमुई झाझा में एक युवक पर नकाबपोश अपराधियों ने गोली चलाकर घायल कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत ताराकुरा जंगल के पास का है। जानकारी के अनुसार ताराकुरा गांव के रहने वाले आफताब अंसारी अपनी बहन का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बाइक से झाझा आ रहे थे कि तभी ताराकुरा और यक्षराज स्थान के बीच घने जंगल में पाइपलाइन के पास पीछे से दो बाइक पर सवार कुल 6 लोग आफताब की बाइक के आगे आते हुए चारों ओर से घेर लिया और उसकी बाइक की चाबी निकाल कर मोबाइल पैसा छीनने लगे। इस दौरान पीड़ित बदमाशों से भिड़ गया और लुटेरों ने उस पर गोली चला। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों के द्वारा पीड़ितों की मदद की गई। घटना की जानकारी झाझा थाना अध्यक्ष श्रीकांत कुमार को मिलते ही पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की जा रही। क्या हुआ है? हम आ रहे थे घर से बाहर को ट्रैवल कर रहे। कहाँ घर है आपका? तारापुरा। उसके बाद आने के बाद जंगल में मतलब जंगल में आ रहे थे तो गाड़ी रोका है, तो उस बाद चाबी मेरा छीन लिया। चाबी छीनने के बाद वो बोला मोबाइल दो, पैसा दो। बोले सर हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ देंगे, लॉकडाउन है। तो पिस्टल दिखाया है, कान पर सटा दिया दोनों सटाया। उसके बाद मेरा मोबाइल मेरा बहन को छीन लिया। छीन लिया के बाद हमको एक पैसा दिया है। उसके बाद गाड़ी घुराया, तब तक गाँव वाले एक लड़का आ गया मंडल था, उसको बोले दिया बचाओ ना। उसके बाद पारपुरा के लकड़ी चुनने वाला था, लकड़ी चुन रहा था जंगल में, वो तो फिर दौड़ा तो उन लोग भी पिस्टल दिखाया तो उन लोग भी सेट लग गया। उसके बाद हम बोले मोबाइल दे दो भाई, उसने वो गोली चला दी हमको। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 6 आदमी थे। मोटरसाइकिल से थे? जी, 2 को मोटरसाइकिल था, 1 पे 3। मोटरसाइकिल भी लिया आपका? मोटरसाइकिल नहीं लिया। अच्छा, वो क्या मतलब नकाब पोश था, मुंह पर ढके हुए था या पहचान? सादा गमछी पे बांधे हुए थे सब। एक क्या ये तारापुरा संत जोसेफ स्कूल के बीच जो जंगल पड़ रहा उसी जगह घटना हुई? उससे आगे पाइपलाइन के पास। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफताब अंसारी। बिहार से KKD न्यूज ब्यूरो मिथुन कुमार की रिपोर्ट।